हेलो दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार दरोगा में एग्ज़ाम में इसमें लाभदायक रहेंगे। जितने भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में ऐड किया हुआ, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखें और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको नोट कर लें और याद रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये विधानसभा है, विधान परिषद नहीं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति के लिए कौन कौन से योग्यता आवश्यक है? राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यता आवश्यक है? फर्स्ट, भारत का राष्ट्रपति हो पर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है, 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति की बनने के लिए। दूसरा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य है, लोकसभा का सदस्य पे चुने जाने योग्य है। चौथा, किसी सरकारी लाभ पर के पद पर ना हो, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष को होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसको आप याद रखेंगे। धन विधेयक किस अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम, वो 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट, बिना देरी, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी पाटिल थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। नोट में, भारत के में तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में जितनी भी 3 सेना है, थल सेना और नौसेना और वायु सेना, उसको तीनों सेना के प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? जब त्याग पत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नोट में, एकल संक्रमणीय अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु के पद त्याग की दशा में उसका कार्यभार कौन सा दिखता है? जब राष्ट्रपति की मृत्यु या अपना त्याग पर दे दे तो उसका कार्य कौन संभालता है? तो उसका कार्य राष्ट्रपति संभालता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद एक निर्वाचन फिर से होगा राष्ट्रपति के लिए, जब तक 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन लेता है? तो उच्चतम न्यायालय लेगा इसका विवादों का निर्णय। नेक्स्ट, संघ के कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में है? संघ के कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है? भारत का राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश कराता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कितनी अनुच्छेद के तहत की जाती है? राष्ट्रपति के आपातकाल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसको आप याद रखेंगे। भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लागू घोषित किया गया है? अभी तक 3 बार आपातकाल लागू घोषित हो चुका है। फर्स्ट बार है 362 में चीनी आक्रमण के समय में, जब चीन आक्रमण कर दिया था भारत पर, उस समय 1962 में आपातकाल लागू हुआ था। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और तीसरा बार है 1987 की आंतरिक गड़बड़ी के संदर्भ में।
तीन बार आपातकाल लागू हो चुका है अभी तक। देखिए इधर नोट में है, किंतु उसके बाद संविधान में 44वें संशोधन में आंतरिक गड़बड़ी का स्थान सशस्त्र विद्रोह ने ले लिया है। ये आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह उसको नाम दिया गया है 44वें संशोधन के बाद, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, संसद के सन कौन बुलाता है? तो संसद के सत्र है ना, राष्ट्रपति बुलाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसके पास है? तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास है लोकसभा का विघटन करने की शक्ति, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों संसद के दोनों बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाएगा राष्ट्रपति, इसको याद रखेंगे। सभी दिशाओं में मृत्युदंड की क्षमादान की शक्ति किसके पास है? मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति भारत के अपने राष्ट्रपति के पास है, तो इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किसके सलाह पर करता है? राष्ट्रपति क्षमादान करने का इसको पास शक्ति है, लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर क्षमादान करने की इसको पास शक्ति है। नेक्स्ट, संघ शासित क्षेत्रों के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र शासित प्रदेश में विषय में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, इसको याद रखेंगे। संघ शासित क्षेत्रों के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? अपने भारत के राष्ट्रपति के पास है केंद्र शासित प्रदेश के विषय में कानून बनाने की, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का प्रधान संविधान के कितने अनुच्छेद में? भारत का राष्ट्रपति 352 के अनुच्छेद में है कि एक भारत का अपना राष्ट्रपति होगा 52 में, तो इसको याद रखेंगे। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति का वेतन कितना प्रति माह मिलता है? राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपये, 5 लाख है प्रति महीना 5 लाख रुपये मिलता है राष्ट्रपति का वेतन, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद मतदान नहीं करता है, ये VBI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कितने अनुच्छेद के तहत है? राष्ट्रपति के महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग लगाने की शक्ति है अनुच्छेद 100 के तहत। अभी तक भारत में कितनी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया गया है? वो एक भी नहीं है जो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति हटाया गया है, इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद में किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है, तो इसको भी आप नोट में याद रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाने जाने पर पद में हुई रिक्तियां कितनी माह के भीतर भर लेनी चाहिए? तो 6 महीने के भीतर भर देना चाहिए जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दिया जाता है, तो उसमें 6 महीने के अंदर उस रिक्ति को भरना आवश्यक है, इसको आप याद रखेंगे। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, इसको आप याद। नोट में संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड की क्षमा करना उसका प्रतिलंबन प्रत्याहार और लागूकरण शक्ति प्राप्त, यानी अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड को
दोषी से मुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति जो पास 372 के तहत उसके पास शक्ति है, इसको आप याद रखेंगे। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में एंग्ल भारतीय समुदाय की व्यक्तियों की समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्ति को लोकसभा सदस्य के लिए नामांकित कर सकता है। यानी लोक समय एंग्लो इंडियन 2 लोकसभा से राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल लागू कर सकता है। आपातकाल लागू 3 प्रकार के कर सकता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। प्रथम, युद्ध या वह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल, अनुच्छेद 356, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत 3 आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, बाह्य आक्रमण द्वारा लगाया गया। ये वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत न्यूनतम 2 वर्ष इसका अवधि है, 2 माह, इसको आप याद रखेंगे। नोट में, किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो शक्ति है? वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो शक्ति है। कौन कौन सा, ये याद रखेंगे, निरपेक्ष वीटो पहला है, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है जेवी वीटो, इसको याद रखेंगे। नोट में, ज्ञानी जयंसी द्वारा जेवी वीटो का प्रयोग किया गया था, ये राष्ट्रपति थे, इसके द्वारा जेवी वीटो का प्रयोग किया जा सकता था, और उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति अभी तक नहीं थे जो जेवी वीटो का प्रयोग किया था, तो इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में ऐड किया गया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब अगला वीडियो में अगला टॉपिक के साथ